नेहरू के बाद, नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल के अंतिम वर्षों में उनके बाद भारत का क्या होगा, इस पर गंभीर बहस छिड़ गई थी। और जब मई 1964 में उनकी मृत्यु हुई तो भारत और विदेशों में कई लोग लगभग निश्चित थे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था गंभीर रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, और यहाँ तक कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर लड़ाई भी हो सकती है कि कौन कार्यभार संभालेगा। हालांकि ऐसी कोई उथल पुथल नहीं थी, एक सहज उत्तराधिकार हुआ। दरअसल नेहरूवादी युग के बाद से भारत ने न केवल कई प्रधानमंत्रियों को देखा है बल्कि अपने राजनीतिक इतिहास में भी कुछ बदलाव देखे हैं। पिछले कुछ वर्षों में एक जीवंत लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए कुछ उथल पुथल हुई है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना किया गया है और उन पर काबू पा लिया गया है। पड़ोसी देशों में तख्तापलट और सैन्य अधिग्रहण के बीच भारत एक लोकतंत्र के रूप में जीवित रहने में कामयाब रहा है और समय समय पर लोकतांत्रिक चुनावों के बावजूद सरकार के सुचारू परिवर्तन का गवाह रहा है। नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद गुलजारीलाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। कांग्रेस पार्टी के एक नए संसदीय नेता का चुनाव लंबित था जो तब प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री वर्ष जून 1964 जनवरी 1966, यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि 1963 में कांग्रेस के भीतर एक समूह का गठन हुआ जिसे सिंडिकेट के रूप में जाना जाने लगा और इसमें पार्टी के अध्यक्ष के कामराज और कुछ शामिल थे। अन्य लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद के उत्तराधिकार का मार्गदर्शन किया। चुनाव मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच था। पूर्व वरिष्ठ और अनुभवी कांग्रेसी थे जो अपने प्रशासनिक कौशल और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें रूढ़िवादी, कुछ हद तक कठोर और दाएं की ओर झुकाव वाला भी माना जाता था। उत्तराध को सौम्य, मृदुभाषी और लचीला माना जाता था, भले ही वह सत्यनिष्ठ और अविनाशी प्रकृति का व्यक्ति था। देसाई की तुलना में शास्त्री को पार्टी में अधिक व्यापक समर्थन प्राप्त था। अंत में शास्त्री को पार्टी ने अगले संसदीय नेता के रूप में चुना, इसलिए प्रधानमंत्री, क्योंकि देसाई ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। प्रारंभिक जीवन। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, में हुआ था। जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने श्रीवास्तव के अपने उपनाम को छोड़ने का फैसला किया। 1928 में वाराणसी के काशी विद्यापीठ में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। 1928 में जब उन्होंने ललिता देवी से शादी की तो लाल बहादुर शास्त्री, जो दहेज के विचार के बहुत विरोधी थे, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 5 गज की दूरी स्वीकार की थी। खादी और चरखा अपने ससुर के आग्रह पर कुछ स्वीकार करने के लिए। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्हें एक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय नाबालिग होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। बाद में वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के प्रमुख आंदोलनों का हिस्सा थे, जैसे कि नमक सत्याग्रह और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। कई बार कैद हुए, उन्होंने जेल में अपने समय का उपयोग समाज सुधारकों और पश्चिमी दार्शनिकों के कार्यों को पढ़ने में किया। शास्त्री कांग्रेस के राजनीतिक संगठन का बहुत हिस्सा थे, पार्टी की स्थानीय इकाई के सचिव और बाद में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1937 में संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए। आजादी के बाद का राजनीतिक सफर। आजादी के बाद शास्त्री उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस और परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत की कैबिनेट में
उस स्थिति में उनकी पहल में बस कंडक्टर के रूप में महिलाओं की नियुक्ति और पुलिस को एक निर्देश था कि अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों के बजाय पानी के जेट का इस्तेमाल किया जाए। 1951 में शास्त्री को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसी वर्ष उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। शास्त्री रेल मंत्री थे, हालांकि उन्होंने 1956 में एक गंभीर रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हें जल्द ही कैबिनेट में वापस ले लिया गया और 1961 में उन्हें गृह मंत्री नियुक्त किया गया। इस क्षमता में उन्होंने एक कुशल मध्यस्थ होने की प्रतिष्ठा हासिल की और उन्होंने के संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन भी किया, जिनकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। वह परिवहन और संचार मंत्री भी रह चुके हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नेहरू की बीमारी के दौरान बिना पोर्टफोलियो के मंत्री। प्रधानमंत्री नेहरू की विरासत को जारी रखना लेकिन परिवर्तन के साथ। लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने विदेश मामलों और परमाणु ऊर्जा के विभागों को अपने पास रखा, हालांकि बाद में उन्होंने विदेश मंत्रालय को स्वर्ण सिंह को स्थानांतरित कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के लिए अपने पहले प्रसारण में शास्त्री ने कहा, हर राष्ट्र के जीवन में एक समय आता है जब वह इतिहास के चौराहे पर खड़ा होता है और उसे चुनना होता है कि किस रास्ते पर जाना है, लेकिन हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है कठिनाई या झिझक, दाएं या बाएं नहीं देखना। हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है, घर पर समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ, और विश्व शांति और सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता बनाए रखना। उद्धरण चिन्ह, दिल से एक सच्चे धर्मनिरपेक्षतावादी, शास्त्री ने कहा, हमारे देश के बारे में अनोखी बात यह है कि हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और अन्य सभी धर्मों के लोग हैं। हमारे पास मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हैं, लेकिन हम यह सब राजनीति में मत लाओ। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर है। जबकि पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक राज्य घोषित करता है और धर्म को एक राजनीतिक कारक के रूप में उपयोग करता है, हम भारतीयों को स्वतंत्रता है कि हम जो भी धर्म चुने उसका पालन करें और किसी भी तरह से पूजा करें। जहां तक का सवाल है, हम में से प्रत्येक उतना ही भारतीय है जितना की दूसरा। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री ने नेहरू के मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्रियों को बरकरार रखा, लेकिन नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को भी सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। वह नेहरू का सम्मान करते थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई सामान्य नीतियों के प्रति सच्चे थे, लेकिन वे नेहरू के अंध अनुयायी नहीं थे। कई मायनों में उन्होंने दिखाया कि उनका अपना दिमाग था। शास्त्री पहले प्रधानमंत्री थे जिनके पास प्रधानमंत्री के सचिव थे जब उन्होंने एलके झा, एक वरिष्ठ आईसीएस अधिकारी, उन्हें सलाह देने के लिए। इस प्रकार उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री सचिवालय या प्रधानमंत्री कार्यालय का रूप धारण करने की नींव रखी। चुनौतियों, शास्त्री के छोटे कार्यकाल में कुछ बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। इससे यह भी पता चलता है कि शास्त्री कमजोर नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी दृष्टि थी, साथ ही वे कड़े फैसले लेने में भी सक्षम थे। उन्होंने कहा, शायद मेरे आकार में छोटा और जीभ के नर्म होने के कारण लोग यह मानने के लिए उपयुक्त हैं कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। हालांकि शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर नहीं हूँ। उनकी सरकार को जिन 3 प्रमुख संकटों का सामना करना पड़ा, वे थे मद्रास राज्य में हिंसक हिंदी विरोधी प्रदर्शन, बाद में इसका नाम तमिलनाडु रखा गया, व्यापक भोजन की कमी और पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध।
हिंदी को भारत की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू किए जाने की संभावना के खिलाफ गैर हिंदी भाषी राज्यों में 1965 में बड़े विरोधों से देश अशांत था। मद्रास राज्य में आंदोलन विशेष रूप से तीव्र और हिंसक था। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया और कुछ जगहों पर दंगे भी हुए। शास्त्री ने लोगों को यह आश्वासन देकर शांति कायम की कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहते हैं, तब तक अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर दंगों को दबाने के लिए सेना को बुलाया जाना था। आर्थिक विचार। हालांकि बहुत कम लोगों को इसका एहसास हुआ होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जो देश के सामने थे, ऐसे कदम जो नेहरूवादी अर्थशास्त्र से बहुत अलग थे। आर्थिक सुधार के अग्रदूत। बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि शास्त्री ने योजना आयोग से आर्थिक विषयों से संबंधित मंत्रालयों तक परियोजनाओं पर निर्णय लेने को स्थानांतरित करके शासन को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया था। दरअसल एक राष्ट्रीय योजना परिषद की स्थापना करके योजना आयोग के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास किया गया था। 1965 में शास्त्री ने संसद में घोषणा की कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण पर पुनर्विचार किया जाएगा। नतीजतन स्टील और सीमेंट जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए नियमों में ढील दी गई। शास्त्री की आर्थिक टीम में एलके झा, आईजी पटेल, धर्मवीरा और एस भूतलिंगम, जो कृषि के आधुनिकीकरण और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देकर अर्थव्यवस्था में सुधार की ओर झुके हुए थे। रुपए का अवमूल्यन करने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से शास्त्री द्वारा लिया गया था, हालांकि वास्तविक कदम इंदिरा द्वारा लागू किया गया था। गांधी। दुर्भाग्य से सभी क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाने से पहले ही शास्त्री की मृत्यु हो गई। यदि वह अधिक समय तक जीवित रहता तो यह संभव है, क्योंकि पीएन धर कहते हैं कि शास्त्री ने उस तरह के आर्थिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाया होगा जो केवल 25 साल बाद लिया गया था, नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के तहत। पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने भारत को जो नारा दिया था वह उनके विचार को दर्शाता है। जय जवान जय किसान ने शास्त्री के दृढ़ विश्वास को दिखाया कि सैनिक द्वारा देश की सुरक्षा को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया था। विचारों। उन्होंने शास्त्री कोई वैचारिक पलक नहीं पहनी थी। उसने तथ्यों को देखा जैसे वे अपनी पूरी कठोरता में थे। भोजन की पुरानी कमी ने उन्हें बुनियादी उद्योगों से कृषि की ओर स्थानांतरित कर दिया। काले बाजारों की गर्जना ने उन्हें नियंत्रण से प्रोत्साहन की ओर सापेक्ष बदलाव करने के लिए राजी किया और सार्वजनिक क्षेत्र की स्पष्ट अक्षमता ने उन्हें निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश के लिए एक बड़ी भूमिका स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आर्थिक निर्णय लेने के अधिकार को योजना आयोग से मंत्रालयों और केंद्र से राज्यों में स्थानांतरित करने के उपाय भी किए। खाद्य उत्पादन जो कि किसान की विशेषता थी। नारा का अर्थ था कि किसानों का खेत पर काम राष्ट्र की सेवा में युद्ध के मैदान पर सैनिक की कार्रवाई के बराबर था। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बीच भारत को भोजन की कमी का सामना करना पड़ा और जब शास्त्री ने सी सुब्रमण्यम को अपने खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में आकर्षित किया तो चीजें खराब स्थिति में थी। शास्त्री ने हरित क्रांति की नींव रखने में अपने मंत्री को पूरा समर्थन दिया। हालांकि इसका श्रेय आमतौर पर इंदिरा गांधी को दिया जाता है, क्योंकि नई विधियों का लाभ लगभग एक दशक बाद ही देखने को मिला। लेकिन वास्तव में यह भारतीय कृषि को बदलने के लिए शास्त्री की पहल का परिणाम था। हरित क्रांति में तकनीकी, आर्थिक और संगठनात्मक तीन गुना जोर शामिल था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन किया गया और पहली बार एक वैज्ञानिक डॉक्टर बीपी पाल को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया था। एमएस
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्वामीनाथन ने सरकार को मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग की टीम द्वारा विकसित गेहूं की नई उच्च उपज वाली किस्मों के बारे में जागरूक किया और भारत को क्षेत्र प्रदर्शन कैसे शुरू करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न हलकों के विरोध का सामना करने के लिए शास्त्री ने 1965 में 250 टन गेहूं के बीज के आयात को मंजूरी दी। बाद में 1966 में कुछ हजारों टन का आयात किया जाना था और गेहूं में हरित क्रांति गति में आ गई क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इन किस्मों में सुधार किया। नवंबर 1965 में जब सीएस सुब्रमण्यम और अमेरिकी कृषि सचिव ओरविल फ्रीमैन रोम में मिले तो उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो शास्त्री के समर्थन से पहले ही शुरू हो चुका था। समझौते के अनुसार भारत 1971 तक कृषि, सिंचाई, अनुसंधान, बीज, उर्वरकों में अधिक निवेश करके खाद्यान्न के आयात को समाप्त करने और उपयुक्त आर्थिक और विपणन नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध था। 1965 और 1966 में अमेरिकियों ने भारत को अधिक गेहूं भेजने पर सहमति व्यक्त की। नई तकनीक का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन भी दिए गए थे। कृषि मूल्य आयोग एपीसी और भारतीय खाद्य निगम एफसीआई जनवरी 1965 में अस्तित्व में आए। राष्ट्रीय बीज निगम और केंद्रीय भंडारण निगम भी इसी समय के आसपास स्थापित किए गए थे। श्वेत क्रांति को गति प्रदान करने में शास्त्री का भी महत्वपूर्ण योगदान था। दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान अक्टूबर 1964 में गुजरात के आनंद में कंजरी में अमूल के पशु चारा कारखाने का उद्घाटन करने के लिए वह दूध सहकारी से प्रभावित हुए। उन्होंने कामना की कि उस समय कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड अमूल के महाप्रबंधक वर्गीज कुरियन देश के अन्य हिस्सों में ऐसी सहकारी समितियों को बनाने में मदद करें ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना 1965 में आनंद में हुई थी। भोजन छोड़े विचार देश में भोजन की पुरानी कमी एक चिंताजनक तथ्य था। साथ ही 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने चेतावनी देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की कि अगर भारत ने युद्ध नहीं रोका तो अमेरिका पीएल के तहत देश को गेहूं उपलब्ध कराना बंद कर देगा। -480 समझौता भारत को उस समय खाद्यान्न की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए गेहूं का आयात करने की आवश्यकता थी। शास्त्री ने हिलने से इनकार कर दिया। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, उन्होंने भारतीयों से कहा। शास्त्री ने लोगों को स्वेच्छा से एक सप्ताह में एक भोजन छोड़ने के लिए प्रेरित किया ताकि भोजन को जरूरतमंद लोगों को वितरित करने के लिए बचाया जा सके। हालांकि जनता को ऐसा करने के लिए कहने से पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को पहले सिस्टम को आजमाने के लिए कहा। हैरानी की बात यह है कि सोमवार की शाम को रेस्तरां भी बंद होने के साथ जनता की प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी। नए संस्थान और परियोजनाएं शास्त्री के कार्यकाल में कई नए संस्थानों का उद्घाटन हुआ। इनमें से कुछ नवंबर 1964 में चेन्नई के थर्मनी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस थे। मार्च 1965 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 1996 में आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया और तेलंगाना राज्य के गठन के बाद दो विश्वविद्यालयों में विभाजित हो गया। जुलाई 2014 में तेलंगाना विश्वविद्यालय को प्रोफेसर जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया और राष्ट्रीय संस्थान प्रौद्योगिकी इलाहाबाद चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का जवाहर डॉक था। शास्त्री द्वारा उद्घाटन किया गया था और नवंबर 1964 में तूतीकोरिन बंदरगाह का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ऊपरी कृष्णा परियोजना जिसमें अलमट्टी बांध एक हिस्सा है की आधारशिला शास्त्री द्वारा रखी गई थी। 1964
सरकार द्वारा अलमट्टी का नाम रखने का निर्णय लिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के बाद बांध, यह शास्त्री थे जिन्होंने 1965 में ट्रॉम्बे में प्लूटोनियम पुनर्संसाधन संयंत्र का उद्घाटन किया था। इसने डॉक्टर होमी भाभा के सुझाव का पालन किया कि भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटक विकसित करना चाहिए, एक विचार जिसका शास्त्री ने समर्थन किया। होमी भाभा की पहल पर परमाणु विस्फोटक डिजाइन समूह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटों का अध्ययन SNEPP स्थापित किया गया था। विदेश संबंध, शास्त्री ने गुटनिरपेक्षता की नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया। हालांकि वह गहराई से सचेत था कि चीन के साथ भारत के युद्ध 1962 और पाकिस्तान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच सैन्य संबंधों के बढ़ने के मद्देनजर भारत सरकार को देश के रक्षा बजट में वृद्धि करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि भारत को सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए। उन्होंने बकाया समस्याओं को हल करने के लिए पड़ोसी राज्यों को प्रस्ताव दिया। भारत और सीलोन, जैसा कि उस समय श्रीलंका कहा जाता था, के बीच 1964 के बंदर नायक शास्त्री समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री और उनके सीलोन के समकक्ष सिरिमावो भंडार नायक के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सीलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति से चिंतित, भारत में 600,000 भारतीय तमिलों के प्रत्यावर्तन के लिए समझौता हुआ और 1981 तक सीलोन में 375,000 तमिलों को सीलोन की नागरिकता प्रदान की गई। हालांकि शास्त्री की मृत्यु के तुरंत बाद ही मृत्यु हो गई और समझौता पूरा नहीं हुआ था और कुछ वर्षों बाद भारत ने समझौते को व्यपगत माना। 1962 में बर्मा में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद वहां बसे कई भारतीय परिवारों को 1964 में बर्मी सरकार द्वारा वापस भेज दिया गया था। भारत और बर्मा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। हालांकि शास्त्री ने दिसंबर 1965 में रंगून की आधिकारिक यात्रा की और जनरल ने विन के तहत भारत और बर्मी सरकार के बीच फिर से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हुए। उपमहाद्वीप की स्थिति और पाकिस्तान और चीन के साथ खराब संबंधों को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने परमाणु विस्फोटक कार्यक्रम शुरू करने में संकोच नहीं किया। 1965 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग को परमाणु परीक्षण प्राप्त करने पर काम करने का अधिकार दिया। इस मुद्दे पर उन्हें अपनी सरकार और पार्टी के साथ साथ अन्य लोगों के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे डगमगाए नहीं। दुर्भाग्य से जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। जैसा कि कार्यक्रम आगे बढ़ने से पहले भारत में परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तित्व होमी जे भाभा ने किया था। भारत पाक युद्ध 1965 में भारत को पाकिस्तान से युद्ध की धमकियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद अयूब खान सत्ता में आए थे। 1958 में एक सैन्य तख्ता पलट के माध्यम से जबरन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से पदभार ग्रहण किया और स्वयं राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। अमेरिका पाकिस्तान को भरपूर सैन्य सहायता दे रहा था। 1962 में चीन के साथ युद्ध ने सशस्त्र बलों सहित भारतीयों को निराश कर दिया था। इसलिए अयूब खान ने शायद सोचा कि सीमा पर भारतीय सेना की ताकत का परीक्षण करने का यह सही समय है। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने सिंध की स्थिति का परीक्षण किया। ऐसा लग रहा था कि कच्छ के रण में पहली भिड़ंत के बाद पाकिस्तानी जीत सकते हैं। दोनों पक्षों को ब्रिटेन के हस्तक्षेप पर संघर्ष विराम के लिए सहमत होने और संघर्षों से पहले आयोजित पदों पर सेना की वापसी के लिए बनाया गया था। विश्वास है कि भारतीय सेना कमजोर थी और शेख अब्दुल्ला और कुछ अन्य असंतुष्टों के अनुयायियों द्वारा घाटी में पैदा की गई अशांति को भुनाने की कोशिश में पाकिस्तान में नेतृत्व ने कश्मीर में हमला करने का फैसला किया
ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अगस्त में कश्मीर के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण भूमिगत मार्ग का उपयोग करने के विचार के साथ शुरू किया गया था। इससे पहले कि भारत अपनी सेना और पुराने टैंकों को इकट्ठा कर सके, उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान को इस उद्यम में प्रोत्साहित किया। अच्छी तरह से प्रशिक्षित घुसपैठियों को वहां विद्रोह करने के विचार से घाटी में भेजा गया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस समय अपने दिमाग की ताकत दिखाई। पाकिस्तान ने दावा किया कि कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह हुआ था। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने अंदर ही अंदर परेशानी को भड़काया है। तथाकथित आजाद कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सशस्त्र हमलावरों को जम्मू कश्मीर में भेजकर भारतीय क्षेत्र, यह घोषणा करते हुए कि बल के साथ बल का सामना किया जाएगा, शास्त्री ने आदेश दिया कि भारतीय सेना को युद्धविराम रेखा को पार करना चाहिए और घुसपैठियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्रे को बंद कर देना चाहिए। सितंबर की शुरुआत में दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया था। शास्त्री ने साबित कर दिया कि वह उस तरह से निर्णायक हो सकते हैं जैसे नेहरू नहीं थे। उन्होंने भारतीय सेना को आवश्यक जवाबी कदम उठाने की अनुमति देने में बहुत कम समय लिया। उनके रक्षा मंत्री वाईबी चौहान भी उत्कृष्ट साबित हुए। सितंबर में भारतीय सेना ने पंजाब में सीमा पार लाहौर और सियालकोट में अपने टैंकों के साथ तीन तरफा हमला किया। जल्द ही लाहौर भारतीय आग की सीमा के भीतर था। यह भी पहली बार था कि भारतीय वायुसेना स्वतंत्रता के बाद युद्ध में भाग लेना था। संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और युद्धविराम की मध्यस्थता की गई, जिसके लिए दोनों पक्ष 23 सितंबर को सहमत हुए। ताशकंद में शांति समझौता। एक दक्षिण एशियाई शांति सम्मेलन जनवरी 1966 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी, उस समय सोवियत संघ के गणराज्यों में से एक, में आयोजित किया गया था, जिसे सोवियत राष्ट्रपति अलेक्सी कोशिन द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह कोशिन की मध्यस्थता के साथ था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और अपने देशों के बीच सामान्य और शांतिपूर्ण संबंधों को बहाल करने और आपसी समझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पर हस्ताक्षर किए। उनके लोग ताशकंद घोषणा पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए था। ऐसा माना जाता है कि दोनों पक्ष अपने दम पर एक समझौते पर पहुंचने में सक्षम नहीं थे और सोवियत नेताओं द्वारा उन्हें तैयार किए गए एक मसौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि यह भारत में पूर्ण अनुमोदन के साथ नहीं मिला। आलोचकों का मानना कि समझौते में युद्ध नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं था कि पाकिस्तान कश्मीर में गुरिल्ला आक्रमण को छोड़ दे। पाकिस्तान में समझौते को और भी अधिक गुस्से में प्राप्त किया गया था। इसके खिलाफ दंगे और प्रदर्शन हुए थे। जुल्फिकार भुट्टो ने अयूब खान और संधि से खुद को दूर कर लिया और अंत में बाद में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए अलग हो गए।